सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव बीजेपी पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मीडिया से बात की है। दरअसल शुक्रवार को अखिलेश यादव कन्नौज दौरे पर थे। इस दौरान सपा अध्यक्ष मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों को बीजेपी के लिए चिंता का विषय बताया है। उन्होंने कहा कि जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया। सुनिए क्या कुछ बोले हैं अखिलेश। जिस तरह का परिणाम आया है भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। जहां कहीं टीवी पे, अखबार में या और लोगों से जो सुनने का मौका मिला है, सभी ने यह कहा कि परिवर्तन के लिए जनता ने वोट दिया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उसको हटाने के लिए जनता ने वोट दिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, उसको हटाने के लिए वोट दिया। तेलंगाना में बीआरएस की पार्टी की सरकार थी, उसे हटाने के लिए वोट दिया। मध्य प्रदेश की परिस्थितियां अलग थी, समाजवादियों को भी साथ लिया होता या अन्य दलों को साथ जोड़ा होता तो परिणाम मध्य प्रदेश का भी परिवर्तन का होता। पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने का नया फॉर्मूला बताया है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा, भाजपा हटेगी। मैंने नारा दिया है कि सभी दल साथ आएं, खासकर जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे। मानना है कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा, बीजेपी हटेगी और मैंने नारा दिया है कि सभी दल साथ आएं, खासकर जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे। गठबंधन 80 हराओ का नारा देगा। जब 80 हारेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी हटेगी और भारतीय जनता पार्टी हटने से ही देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। इनके पास नारे तो नए नए हैं, अब कह रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्री का सपना देख रहे हैं। जिनके वचन में कोई दम, मतलब कहने और कथनी में अलग अलग हो, क्या कहा और क्या किया। अखिलेश का ये नया फॉर्मूला बीजेपी के खिलाफ कितना काम करेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल यूपी में इंडिया गठबंधन और सपा का तालमेल कैसा रहेगा ये देखना दिलचस्प होगा।